हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपको 50 के नज़दीक किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो फिर ना पेन की ज़रूरत होगी, ना नोटबुक की ज़रूरत होगी, ओनली आपको ज़रूरत होगी तो इस वीडियो को कंप्लीट देखनी होगी। अगर आपको 50 के नज़दीक किसी भी नंबर का स्क्वायर ज्ञात करना है तो आपको माइंड में एक अंक को ध्यान रखना होगा, एक नंबर को ध्यान रखना होगा, वो है 25। अगर आप 25 अपने माइंड में बिठा लिए तो आप 50 के नज़दीक किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्क्वायर ज्ञात करना चाहते हैं 47 का, 47 का, तो आपको क्या करना होगा, 25 को ध्यान रखना होगा। अब 47 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 25 में 3 माइनस कर दीजिए कितना है, 22, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09, तो आपका आंसर कितना रहेगा, 2209। जैसे एक नंबर और लेते हैं हम, मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है 54 का, यानी 54 का आपको स्क्वायर करना है, तो आपको माइंड में ध्यान होना चाहिए 25 54 50 से कितना ज़्यादा है, 4, तो 25 में 4 जोड़िएगा कितना है, 29 29, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 29 16 आपका क्या है, करेक्ट आंसर। जैसे एक और देखते हैं, मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है 61 का, 61 का स्क्वायर करना है, तो आपको 25 ध्यान में होना चाहिए, 25 50 से 61 कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा, तो 25 में 11 ऐड करो कितना आया, 25 में अगर 11 ऐड करोगे तो 36 होगा, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, लेकिन हमें लास्ट में दो डिजिट लेने हैं, कितने लेने हैं, दो डिजिट, बचा एक, तो एक को 36 में जोड़ो कितना होगा, 37 22, आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप सब कुछ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आने वाली हर वीडियो हर ट्रिक की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।